बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी उद्योग क्षेत्र में एक फैक्ट्री के बाहर अर्थी का सामान रखकर प्रदर्शन करते ये लोग मृतक जय नारायण के परिवार और परिजन हैं, जिनका आरोप है कि 35 वर्षीय मृतक जय नारायण मंगलवार सुबह अपने घर से रोज की तरह काम पर फैक्ट्री पर आए थे और उन्हें कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी। लेकिन मंगलवार शाम को ही फैक्ट्री से दो तीन लोग मृतक के घर पहुंचे और बताया कि जय नारायण की तबीयत बहुत खराब है और वो मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में है, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक ने अपनी जान छुड़ाने के लिए आनन फानन में डेड बॉडी को मृतक के घर भिजवा दिया, जिसके बाद परिजनों को लगा कि जैन राण की मौत अपने आप नहीं हुई बल्कि उनकी हत्या की गई है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराया, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और इसके बाद ही मौत के असली वजह का पता चल पाएगा। दिल्ली से संदीप राणा। कल मेरे पापा अच्छे 2 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे और कल अच्छे भले सुबह खाना वाना खा के आए थे काम पे, और शाम को हमारे पास यहाँ से 2-3 जने आए फैक्ट्री से हमारे घर पे और कह रहे अचानक से तुम्हारे पापा का तबीयत खराब है और संजय गांधी में एडमिट है। जब हम गए तो रास्ते में बता रहे, जब हम संजय गांधी पहुँचने वाले थे तो कह रहे कि तुम्हारे पापा मर चुके हैं, और हम जब पहुँचे तो देखा उनकी बॉडी से एम्बुलेंस में रखी हुई थी। जी हैं वो यहाँ पे जॉब कर रहे थे पिछले 2.5 साल से, और उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी डिजीज़ नहीं था, बिल्कुल वो स्वस्थ आदमी थे। वो कल आते हैं आराम से ड्यूटी, लंच वंच लेके, और उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर काम किया है। लेकिन शाम को एकदम से 2-3 लोग हमारे घर आते हैं, मौसा के घर पे आते हैं, और ये हमारी बहन थी घर पे, सिर्फ यही घर पे थी। इनको बोला जाता है कि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। जब ये हॉस्पिटल आती है तो उनका उनका डेड बॉडी एम्बुलेंस में रह जब जब ये हॉस्पिटल आती थी इनकी बॉडी एम्बुलेंस में होता है, और बताया जाता है कि ये डेथ हो चुके हैं, और वो जल्दी जल्दी में वो बॉडी को लेके घर पे चले आए, जबकि ना तो उनका कोई प्रॉपर इलाज हुआ ना कुछ हुआ, यहाँ तक कि डॉक्टर ने चेक तक नहीं किया। और हम लोगों को शक है सर कि इसमें ज़रूर कुछ अप्रिय घटना हुई है, क्योंकि हमारे साथ में ही मेरे मौसा जी, एक और मौसा जी हैं जो यहाँ पे काम करते थे, उनको जब वो एक्सपायर कर चुके थे और उनकी बॉडी यहाँ रोड पे पड़ी हुई थी, तब उनको बोला गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर कि इसमें प्लीज़ हमें मदद मिले, न्याय मिले, और हम यहाँ पे पीसफुल ढंग से प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन हमें पुलिस वाले धमका रहे हैं, मार रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ पैसे लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो।